हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद जी हैं। इमरान जी, सबसे पहले तो आपसे जाना चाहूँगा, जुम्मे की नमाज और हाई अलर्ट, क्या आप क्या यही व्यवस्था रहने वाली है क्या हर बार? नहीं नहीं, बिल्कुल किसी सूरत में ये जायज़ नहीं है और हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई कर करके लोगों को जेल भेजा गया, हम उसकी भी बहुत सख्त, डीएम एसएसपी साहब से मिलने आए थे कि जो आप सख्त कार्रवाई की है ये किसी सूरत में जायज़ नहीं है। आप गाजरों के चोर को जूती की सज़ा दोगे, गाजरों के चोर को फांसी नहीं दोगे। अगर उन लड़कों ने हुड़दंग किया है तो हुड़दंग की जो धाराएं बनती है वो लगा दो। आपने लूट लगा दी, डकैती लगा दी, 307 लगा दी, लाठी सरिया डंडा बता रहे हो, फुटेज आपके पास है, कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि लाठी सरिया डंडा है? तो इन सब चीज़ों की जाँच हो, तमंचों की, कि कहीं तमंचा नहीं है, कहाँ फायरिंग हो रही है। तो ये फायर में जिक्र किया है कि फायरिंग हुई है और दुकानों में लूटपाट हुई है, एनएसए की कार्रवाई की गई है कहीं और बुलडोजर तो पता ही है। देखिए, हमने वही बात की है कि कहाँ आपके पास क्या सबूत है, आप वो सबूत दिखा दीजिए। नंबर वन, अगर किए हैं तो सख्त कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो लोगों के साथ नाजायज नहीं होना चाहिए। और एनएसए का मजाक मत बनाइए, रासुका मजाक नहीं है, रासुका का मजाक मत बनाइए कि रासुका हर चीज के ऊपर रासुका की बात करेंगे। और बुलडोजर की कार्रवाई पे क्या कहेंगे? बुलडोजर तो देश की न्यायिक व्यवस्था पर चल रहा है। आपने सारा सिस्टम, पूरी जुडिशियल सिस्टम को खत्म कर दिया, आपने FIR करी और बुलडोजर चला दिया, तो आप ही जज हो गए, आप ही करने वाले हो गए, आप ही जज हो गए। आप युवा पीढ़ी से क्या कहेंगे, क्योंकि ये जितने भी प्रदर्शन हुए उसमें देखने में आया कि युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा शामिल हुई, हाथों में पर्चे वगैरह लेकर पहुंची। देखिए, नौजवानों को समझाने की जिम्मेदारी उनके माँ बाप की है। मस्जिद इबादत के लिए है और मस्जिद को इबादत की लिए ही रहना चाहिए। मस्जिद में जाकर के जब आप इबादत करने के लिए जाते हो तो देश की खुशहाली के लिए दुआ मांगो, अपने परिवार की खुशहाली के लिए दुआ मांगो, अपने रोजगार के लिए दुआ मांगो। लेकिन ये जो मस्जिद से निकल करके जो हाय हुड़दंग का सिलसिला है, ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है और ये बंद होना चाहिए। अब आने वाला जो जुम्मा है, आपका इसमें भरोसा दिलाते हैं सहारनपुर में पुलिस को हाई अलर्ट की स्थिति नहीं पड़ेगी? देखिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और मैं खुद जाकर के सब जगह कहूँगा और सब लोगों से, सबके माँ बाप से अपील करूँगा कि इन नौजवान बच्चों को, जो 14 साल से 20 साल के बीच के बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं है बाप मजदूरी कर रहा है और बेटा फेसबुक पर बैठ करके ज्ञान बांटता है। मुझे भी गालियां पड़ रही होंगी अभी बहुत सारी, जो फेसबुक देख रहे होंगे या चल रहा होगा, जो भी पढ़ेंगी मुझे भी गालियां, लेकिन मैं वो बात कह रहा हूँ जो बात उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। बिल्कुल, ये इमरान मसूद जिन्होंने कहा कि मस्जिद जो है वो इबादत के लिए है और तमाम नौजवानों को उनके परिवार ही समझा पाएंगे और ये भी पूरी कोशिश करेंगे कि अगले शुक्रवार को इस तरह की नौबत ना आए। जब हम सना मेहनत और गौरव मिश्रा के साथ में कौशिक, न्यूज 24 सहारनपुर।